ेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाम्ना दीन समेधय स्वा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः ॐ मयं त इदमात्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्वचेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नाम्ना दीन समेधय स्वा इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। ॐ अदिते नुमन्या स्वा सर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है और जीवन के सुख का मूल मंत्र है। या कोई व्यक्ति ऐसा अगर बैठा हो जो जीवन में सुख न चाहता हो तो वो एक बार हाथ उठा सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ है जो जीवन में सुख नहीं चाहता है? अच्छा, जीवन में सुख कितने लोग चाहते हैं वो भी हाथ उठा सकते हैं। अच्छा, या तो मेरी बात पहुंच नहीं रही है या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। सुख नहीं चाहिए वो हाथ उठाएं। अच्छा, सबको चाहिए सुख, तो जिनको सुख चाहिए वो हाथ उठाएं। सबको चाहिए तो जीवन में सुख। वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि बार बार कहा जाता है, देखिए नववर्ष कब होता है? जब नवीनतम कुछ होता है, नया कुछ होता है। अब सभी यहाँ पर ज्ञानी ध्यानी सब बैठे हैं, आचार्य जी बैठे, बड़े सुंदर शब्दों में व्याख्यान कर रहे थे और एक एक शब्द को बड़े सरल तरीके से, सुगम तरीके से पहुँचा रहे थे। जब इन्होंने हमें संदेश दिया, अभी तक हम यज्ञशाला, क्योंकि यज्ञ से एक हमारी पहचान है, बहुत यज्ञ कर चुके हैं, करवा चुके हैं, जा चुके हैं, हम बहुत सारे आश्रमों में जाते हैं, बहुत सारे मंदिरों में जाते हैं। जब प्रथम बार निमंत्रण मिला कि शिक्षण संस्थान में यज्ञ हो, तो बहुत हर्ष का एक ये विषय रहा, बहुत खुशी हुई कि जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। अभी तक हम मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, टीवी के माध्यम से देख रहे थे कि राम राज्य आ गया है, परंतु आज सच में आभास हो गया है कि राम राज्य आ गया। ये जो बदलाव है, इसी के लिए हम थोड़ा सा अपना परिचय दें। हम पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं, एक व्यवसायिक परिवार से हैं, परंतु जब सब कुछ देख के जीवन में आया कि सच्चाई क्या है, किस तरफ जाए, किस मार्ग में जाए, तो हमें इससे ज्यादा अपने सनातन से, अपनी संस्कृति आओ लौट चले अपने भारत की ओर। जब ये शब्द हमारे अंदर गूंजे तो हमने सब त्याग दिए। त्यागने का मतलब ये नहीं है कि हमने घर छोड़ दिया और आप भी छोड़ दें। सभी जानते हैं कि चार आश्रम है और सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। आप जो सभी बैठे हैं, मैं सभी को कहना चाहूंगी कि भारतवर्ष में 140 करोड़ की संख्या, उससे ज्यादा की संख्या है, पर आज जो इतने बैठे हैं, जितने भी संख्या में बैठे हैं, मैं सभी को संत कहना चाहूंगी, साधु कहना चाहूंगी, साध्वी कहना चाहूंगी। सिर्फ ये पहनने से साध्वी नहीं होती, जिसका भीतर से संतत्व जाग जाए वही सच्चा संत। और आज यहाँ आकर बहुत 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 हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इतना सुंदर माहौल, इतना सुंदर राज दरबार, मैं कहूंगी ये बहुत सुंदर आचार्य जी ने राज दरबार सजाया है। और सभी आप जो यहाँ दरबारी बैठे हैं, सबको मैं नमन करती हूँ। कृपा करके छोटी छोटी बातें अपने जीवन में आप डाल ले, अपने बच्चों में डाल ले, क्योंकि विकास वो नहीं कि अंतिम समय में हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से आना पाए, ये विकास नहीं है। विकास ये है कि यहीं पर अपने माता पिता का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, अपने पड़ोसी का सम्मान करें, अपने शिक्षक गुरु का सम्मान करें। आप सबको बताना चाहूंगी, पहले एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारे धर्म के साथ हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो पहले उदाहरण मानते हैं, क्योंकि जितना भी आज वैज्ञानिक कह रहा है मैंने ये किया, मैंने वो किया,
ये तो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले कर चुके थे। जब भी आपका दाया पैर सोता है, दाया पैर अगर आपका सो गया बैठे बैठे अभी भी आप महसूस करना, तो आप अपना बाया कान खींचो। अगर आपका दाया पैर सो गया तो बाया कभी कुछ करने की जरूरत नहीं, झटकने की जरूरत नहीं है। आप यंग हैं, यूथ हैं हमारे, कभी भी आप खड़े होंगे और बड़े, क्योंकि मुझे लगता है सबकी कोई भी सही पोजिशन में नहीं बैठा है, हवन में कोई भी सही पोजिशन में नहीं बैठा है, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। कमर सीधी, आंखें सामने, आप देखिए, आप हमारी जो ऊर्जा है वो क्रॉस में चलती है। हमारी जो ऊर्जा है, जब हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो क्रॉस में हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन वाइब्रेशन होती है वो क्रॉस में ही आती है। तो आप इसको, और जब भी आप यज्ञ करें, कमर सीधी, नजरें अग्नि पर, देखिए आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, क्योंकि हमारा धर्म स्वास्थ्य ही ठीक करने के लिए। साधु जी ने अपना परिचय स्वयं दिया कि इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट निश्चित तौर पर है। और भारत का धर्म तो पूर्णतः वैज्ञानिक है। इतनी स्वतंत्रता प्रश्न पूछने की, उनका उत्तर खोजने की, ऋषि ही रिसर्चर थे, उनको हमने ऋषि कह दिया। वो गाड़ी वाले और बहुत ज़्यादा बालों वाले दिखाकर केवल साधु मान लिया। दुर्भाग्य की लगभग 1800 साल से उसी के अंदर खो गए। हमसे सीख के पूरा यूरोप अमेरिका जो आज एडवांस कंट्री कहलाते, सब यहीं से सीखे, यहीं के ग्रंथों को ले गए, यहीं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और तो हमें अभी भी यही बताया जाएगा कि हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया, ये तार का तार इसने बनाया, जबकि उनके ही लिखित, उनकी ही प्रेजेंस में बॉम्बे हाई कोर्ट के जजेस के सामने भारत के अंदर तलपड़े जी ने उड़ा के दिखाया था। कभी बताया गया ऋषि भारद्वाज ने कितने प्रकार के विमान हो सकते हैं, लिखित में उपलब्ध है, ये नहीं कि वो विलुप्त है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के समय IIT बम्बई को ये कार्य सौंपा था, उन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से किया। कितने प्रकार के हैं, किस किस मेटल से बनेंगे, इतनी विस्तार से हैं कि अभी शायद विंग वाले या एयरबस बनाने वाले को इसकी जानकारी ना हो। परंतु ये सौभाग्य कि 1947 में जो कुछ अच्छा प्रारंभ हुआ था उसकी गति नहीं बन पाई थी। वो बहुत ही, इसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ही बोल दिया, उसको केवल समय बिताते रहे, थोड़ा बहुत करते भी रहे। परंतु जिस गति से होना चाहिए था वो आज हमें नज़र आता है कि इस गति से हो गया होता है। चीन और हम 1990 तक लगभग बराबर थे, चीन आज हमसे 10 गुना आगे है। इसी से अंदाज़ा लगाना कि हमने अपने समय को कितना खोया है, परंतु 10 साल में कितना हमने करके दिखाया है। आज किसी को बहुत ज़्यादा कोई इस पर बहस की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब लोग ये तो मानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल था जो अनलॉक हुआ है, और अभी पोटेंशियल बहुत है, वो कैसे हुआ? पहले हमने अमेरिका में जाके सिद्ध किया, जर्मन में जाके सिद्ध किया, ब्रिटेन में जाके सिद्ध किया कि हम हैं। हमें वो भेड़ चराने वाले, गाय चराने वाले मानते थे, और हमने उनके ही यहाँ जाकर शुरू में, हमें भी लगता है कि हमारे IIT NCMs वाले सब ब्रेन ड्रेन हो रहे। वो ब्रेन ड्रेन उस समय लगता था, तो आज वो ब्रेन ड्रेन ही हमारे सारे गेम का कारण बन रहा है, क्योंकि हमें जो कॉन्फिडेंस है जो हमारा शटर्ड कर दिया था मुगलों ने और उसके बाद अंग्रेज़ों ने, वो कॉन्फिडेंस लेवल प्राप्त होने में समय लगा, अभी भी लग रहा है। अभी भी नई पीढ़ी को ये तो विश्वास हो चला है कि हम हैं कुछ। कार्यक्रमों से भी देख लेते हैं, पीछे कार्यक्रम हुए, इसको उनका सत्संग हुआ, कॉलेज में जो कार्यक्रम होता है उससे अंदाज़ा लगता है कि अब यूथ किधर जाए। पहले बड़े बड़े लोगों के जितने फीस लेके गाने वाले आते थे, आज उससे ज़्यादा फीस लेके कुमार विश्वास आते हैं, या मुंतजिर आते हैं, या दूसरे लोग आते हैं 20-20-30 लाख। क्यों? इसका मतलब क्रेज बना है, मार्केट फोर्सेज ही डिसाइड कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ बाजार ही सब कुछ तय करता है, जो हम तो मार्केटिंग और ये सारा MBA और BBA में ही पढ़ा पढ़ा के यही हमने सीखा है। सारी मार्केट या बाजार की फोर्सेज है
वो तय कर रही है क्या होना चाहिए, क्या दिवस मनना चाहिए। हमें वैलेंटाइन डे मनना चाहिए, पर उसी दिन हमारा दिवस है, उसी अर्थ को लेके उसको नहीं मनाएंगे। वो 365 दिन में अलग अलग दिन मनाते हैं, और हमारे यहाँ रोजाना मदर्स डे, फादर्स डे तो रोजाना है। कभी साध्वी जी ने क्या बताया, घर के अंदर कुछ मत करो, केवल जिनके घर में माता पिता हैं या बड़े हैं उनके चरण छू के आशीर्वाद ले लो। वो भी संभव नहीं तो ढंग से मुस्कुराहट से कम से उनको एक स्माइल तो दे दो। तो स्माइल भी नहीं दे रहे आज के मैं अपने घर से अंदाज़ा लगाता हूँ, जो तीसरी जनरेशन है उनको तो ऐसा लगता है जैसे टैक्स लग रहा है कि स्माइल कर वही मतलब वो अपने कमरे में जा के दुबक गए। और एक ही जो अभी माया क्या बताया था, माया सुख उसको हाथ में सबको पकड़ा दिया, जिन्होंने पकड़ाया था वो बैग लगा रहे यूरोप में अमेरिका में चल रहा है 14 साल तक के बच्चों को उसमें ना दिया जाए, 16 साल तक ना दिया जाए, ये सारी बीमारियाँ उसमें भी हैं। ये सारी विपरीत कंट्राडिक्शन हमेशा रहेगा, हमेशा सुर और असुर में युद्ध रहा है, मन के अंदर भी रहेगा, महाभारत हमेशा रहेगा, अच्छे से अच्छे युग में भी रहा, जिसको हम सतयुग बोलते हैं आचार्य जी साध्वी जी, उसके अंदर भी अपने ही बेटों को मारने की कोशिश करने वाले पुरुष थे, इसलिए हमेशा रहेगा। परंतु अब जागरण का जो समय आया है, और ये एक दिन में नहीं आया, परसों की तपस्या है। मैं समझता हूँ 14वीं 15वीं शताब्दी में जब हम शस्त्र से नहीं लड़ पा रहे, तो हमारे जिसको भक्ति काल कह के हमारे शेख हिंदी जी भगवान पर उसको क्या था, कौन सा प्रांत है जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसा संत जो आज की परिभाषा में पढ़ा लिखा कोई था ही नहीं। आज का तो सर्टिफाइड जब तक ये नहीं करेंगे तो वो स्कूल बोर्ड का सर्टिफिकेट ना तो पढ़ा नहीं आता। कैसी विडम्बना, कितना हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स डाल दिया कि अंग्रेजों के आने से पहले सर्टिफिकेशन नहीं था, और इसलिए हमें अनपढ़ मान लिया। जबकि हमारे हर गांव में के एक भी विद्वान ब्राह्मण था जो बिल्कुल के रूप में वो हमारी ज्योतिष भी देखता था, जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब काम देखता था, पढ़ा भी देता था, जितना आवश्यक है उतना उसको आता था। हमने अपने बचपन में देखा कि 20 तक की गिनती ही किसी ग्रामीण या जिसको अनपढ़ महिला कह रहे हैं उसे 20 से 20 करके बेचारी मल्टीप्लाई कर देते, 1 BC 2 BC 3 BC। तो हमारा अपने काम चलाओ सब कुछ था, परंतु एक ऐसा धर्म आया 1400 साल पहले जिसने आते ही 200-300 साल में ही इतना बड़ा नरसंहार करके लोगों को लूटा खसोटा कन्वर्ट किया, जिन्होंने सब मर्यादाएं तोड़ी, अपने दोस्त की लड़की से भी विवाह ये लालच दे के करें कि मेरे बाद तुम सक्सेसर बन जाओ, वो आज हमें एडवांस मानते हैं। हमारे को वो लोग एडवांस मानते हैं जिनका गुड फ्राइडे है तो गुड क्यों है, और ईस्टर है तो ईस्टर क्यों है, 25 दिसंबर जन्मदिन है तो 1 जनवरी से साल क्यों है, जिनका साल 10 महीने का 500 साल पहले तक नहीं था, उनकी कालगणना कितनी ठीक है, कितना कुछ भी जो उन्होंने लिखा है उसको हमें सत्य क्यों मानना चाहिए। और हमारे को भी उन्होंने वही सीख सिखा दी, हमारे शंकराचार्य जी आदि शंकराचार्य जी आज भी कंफ्यूजन कर दिया कि 8वीं शताब्दी में पैदा हुए थे या ईसा पूर्व 4वीं 5वीं शताब्दी, अभी तक सर्टेन नहीं कर पाए। हमारी सारी चीज़ों में उन्होंने कंफ्यूजन डाल दी, क्योंकि हमारा तो 12 मास हमारे यहाँ ईद गर्मी में आए और वही जाके बारिश में भी आए, हमारे यहाँ तो नहीं, हम तो अपना हर 3 साल में एडजस्ट करने वाले, समन्वय वाली संस्कृति है जो हर 3रे साल बराबर कर लेती है। सूर्य को भी उतना ही महान मानते हैं, चांद को भी उतना ही, वो कह रहे चांद तो हमारे लिए सब कुछ है, सूर्य को नमस्कार भी नहीं करें। और ऐसी रिजिड संस्कृति जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ना हो बहुत दिन जीने वाली नहीं है। उसका उदाहरण हमारे आपके सामने 22 जनवरी के बाद 14 फरवरी को हमने देखा अभी तक, जिस मंदिर का लगभग इसी स्केल का है, जहाँ अभी 3 दिन पहले ही आबू धाबी के वो सारे मानने वालों का जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो सारे राजे रजवाड़े वहाँ पर उपस्थित होकर रमजान का अपना व्रत खोलने के लिए मंदिर बनने की इतनी बड़ी बात हुई जिसको हमने कैसे नोटिस भी नहीं किया।
मंदिर में जाके अपना व्रत खोल दिया। हमारे रघुपत राज राजा राम पति कृपाउ तो गाया, और मंदिर मस्जिद एक बताने वाले भी बहुत हुए, अल्लाह को राम एक है ये बताने। मैंने आज तक किसी मस्जिद में मैंने किसी के राम नाम गाते हुए किसी भी उसको नहीं देखा। आपने किसी ने देखा तो मरा लगा, या 50% वाले किसी को देखा हो तो बता। तो ये केवल हमने ही अपने ऊपर क्यों उड़ रहा है? हम हैं, हम सांप्रदायिक नहीं हैं, हम किसी एक संप्रदाय को मान ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो ईश्वरवादी को भी अच्छा मानते हैं, अनिश्वरवादी को भी। हम चरक को भी जो कहते कर जल और ठीक ही हो, उसको भी हमने दार्शनिक कहा है, उसको उसी का। हमारे यहाँ तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि उस फ्लेक्सिबिलिटी का हमें जो लाभ लेना चाहिए तो वो नहीं। आज हम नवरात्रि चल रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि हमारा प्रधानमंत्री नवरात्रों में केवल जल पीता है? जब पता चला जब अमेरिका में जाके उस समय भी केवल जल पे रहा, उनको आश्चर्य हुआ। वहाँ पर पोस्ट होता तो मिलने के बाद में ये आदमी पोस्ट में। तो हमारी संस्कृति प्रत्यक्ष जो नज़र आ रही है, कितने लोगों को मालूम है कि नवरात्रि चार होते हैं? मुश्किल से अभी भी कितने लोग बैठे हैं प्रोफेसर, हार्डली 10% के मालूम चार नवरात्रे दो पुत्र हैं। अभी कौन सा नवरात्रा आज हम पूछे तो सीधा सीधा ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले जो हमारे हैं वो ये नहीं बता सकते कि वासंतिक है या शारदीय है। वासंतिक और नाम में अर्थ है, हमारे हर चीज में हर शब्द का अर्थ है, और उस अर्थ को हम बिना समझे ही मैं कुछ चीज़ों का अर्थ मुझे भी कहीं थोड़ा पढ़ाई साइंस की थी, परंतु संतों को छोटे छोटे लोगों से सुन लिया। एक दिन मैं ITO पे लंच हो गया, जब असेसमेंट करा रहे थे उसके बाद ITO को कथा होती, तो मुझे पहली बार आती थी शब्द का अर्थ। पंडित जी जो रामायण में एक घंटा परमायण चलता था, आपकी पहली थी अतिथि शब्द का ढंग से अर्थ समझा, जो बिना बताए बिना फिक्स लाइन किया है वो अतिथि। और आजकल तो बाप से मिलने के लिए भी टाइम देते हैं, बाबा 8 बजे समय है कि मैंने 10 मिनट बात करी। आकाश शब्द हमारे संस्कृत का जो शब्द है, शब्दकोश है, आप उसी से अंदाजा लगा लो अंग्रेजी के 26 अक्षर, और हमारे 52 63 कितना हो 26 दिन 52 तो 2.5 गुना हमारा रिच है हम नॉलेज वाइज, जिसके कारण से शब्दों की रचना मेरी नहीं सकता। आदमी कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, जाने सब कुछ कम्युनिकेशन के लिए सब भाषाएं आवश्यक हैं, परंतु अपने बच्चों को आप वो लोग बैठे जो अपने बच्चों को फ्रेंच इसलिए दिलवा रहे हैं अपने स्कूल में लिखिए इसलिए जाना कि नंबर ज़्यादा आएंगे, तो नंबर ज़्यादा लेने के लिए संस्कृत सबसे अच्छी। मैंने जब इंजीनियरिंग के पहले साल में प्री इंजीनियरिंग में संस्कृत ले ली, जबकि संस्कृत पढ़ी नहीं थी आज, तो एक अटोच कच का नाटक का एक किताब थी जो 2-3 बार पढ़ के समझ ली, और 49 नंबर 50 में से आ गए थे पूरे पंजाब में। नंबर संस्कृत में भी पूरे मिलते हैं, फ्रेंच की कभी काम नहीं आने, और संस्कृत जिसको आ गई तो उसको जर्मन सीखना उसके लिए बाएँ हाथ का, उसको स्विस सीखना, सारी भाषाएँ उससे निकली। इंडो भारतीय परिवार एक है, वे मानते हैं हम नहीं मान रहे। तो अभी साधवी जी ने हमें ऑफर किया है कभी कभी बुला के छोटे ग्रुपों में बैठे हमारे छोटे ऑडिटोरियम में बड़े कुछ ना कुछ करते रहो, एट ए टाइम करो, पैरेलल एक्टिविटी चलनी चाहिए, पढ़ाई भी चलनी चाहिए, जिनका पीरियड है वो पढ़ाएँ, पढ़ने वाले पढ़ें, तो बाकी तो चीज़ें बहुत हैं। मुश्किल से एक टीचर 3 पीरियड रोज पढ़ाते हैं, बाकी टाइम कोई नहीं बता पा रहा ना UGC में AICT क्या करें भाई, 9 से 5 बैठे रहें क्या करें, AC चला लें खर्चा बढ़ा दें, वातावरण खराब कर दें, अंदर ठंड पैदा कर लो बाहर गर्मी भी, ये सब रिवर्सिबल चीज़ें हैं। नहीं दूसरा गर्मी में मरता रहो, मैं ठंड अपनी अनुकूलता, जैसे साथ में क्या कम्फर्ट जोन, कम्फर्ट जोन में 25 साल की आयु तक के व्यक्ति को बच्चे को भेजना भी नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। कम्फर्ट जोन के लिए आयु है 50 से 75 या उसके बाद,
और जिस तक तू कंफर्ट जोन से बाहर रख उसको तपने दो, उसको घिसने दो, रगड़ खाने दो, सीखने दो। बस में आए जाएगा तो सीखेगा, गाड़ी में जाएगा ऑडियो क्या क्या नाम है उसमें आए जाएगा, ड्राइवर जा रहा है वो बाहर खड़ा है खुद चला के ले गया, उसको कोई चीज़ चोरी होगी तो जाके डायरेक्टर से गलत से आएगा हमारी गाड़ी बात करेगी। ये सारी चीज़ों से बचे। मैं इसीलिए ना अपनी बसें चलवाई, अपने कॉलेज में भी चला सकते थे हमारे एसी, हम भी लगवा सकते थे बसों में, हम नहीं देना चाहते। बसों में आओ ना मैं सोचता हूँ बिल्कुल गेट पर उधर नहीं आना चाहता, वो अपनी गाड़ी में नहीं चला सकते, अंदर गाड़ी खड़ी करना जो इसमें मरा है कमिश्नर लेवल के लोग ट्रस्टी ऐसा गाड़ी बंद करके भी खड़ी करना। गाड़ी यहाँ पर 8,000 बच्ची हैं, 500 का स्टाफ, तो गाड़ी अंदर आती जाती रही तो धूरी उठती नहीं। इसलिए अनुशासन अपने पे लागू रखें, दूसरे पे लागू रहेगा, हमें उस बड़ी कृपा रही है हमारे ऊपर, हमारे पहले डायरेक्टर बी एन मिश्रा से लेकर कक्कर साहब को इतने सकते कि मेरे ये दो पोतियों के टेलीफोन वो जब्त कर दिए तो क्लास के अंदर लाए और बजा कैसे, इसे शक्ति रहे, सबसे संभाव रहे, सबको अपनी संस्कृति के ऊपर स्वयं गर्व करें। हमने चर्चा जरूर करी है कि आज के दिन का महत्व क्या है, एक दिन में आज 10 आइटम है, आज हम याद भी रखना चाहें तो अच्छे लोग भी याद कर सकते हैं। चेटी चिंड है, अब चेटी बोल रहे हैं हमें नहीं समझ आ रहा, चैत से ही चेटी है, बोलते बोलते टह बना दिया, वो भगवान वरुण मान लिए सन के अंदर, कहीं गुड़ी पड़वा बोल दिया तो हम उसको केवल पड़वा बोल दिए, पर हैं सभी। तो आज का नव वर्ष है, आर्य समाज की स्थापना दिवस भी है, और आज ही संघ के जो संस्थापक थे जिनके बारे में अधिकांश को कुछ नहीं पता, 100 शुरू में डॉक्टर केशव बलिराम गेगुरा, उनका जन्म दिन, जिन्होंने MBBS की पढ़ाई की उस समय 1913-14 में, आप कल्पना करिए कितने कॉलेज थे देश में, अभी 4 या 5 मेडिकल कॉलेज, और पढ़ाई किस लिए की थी, डॉक्टर बनने की, डॉक्टर तो एक दिन भी नहीं बने। ये एनालिसिस का विषय होना चाहिए, फिर बने क्यों, जो जो आगे कलकत्ता गए पुरोहित, उनके परिवार तो विकास आचार्य जी की तरह वो थे, पुरोहित का काम करते थे, उन्होंने वो काट पीट कैसे की होगी, क्यों गए, केवल बंगाल में जाके क्रांतिकारियों से मिलना, उनसे कम बनाना सीखना, और वहाँ से सीखकर मध्य भारत को केंद्र बनाकर क्रांति पैदा करना, एक कल्पना थी एक उसके आगे बढ़े। कितना साइंटिफिक नॉलेज वाले थे और जो MBBS हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं जानता, दूसरे थे बिल्कुल इनकी कॉपी थी, तो गुरुजी बोलते गुरु बोलकर मार्ग आती इसी सड़क का नाम अमोर का है, बट क्या थे गुरुजी, इसलिए कहलाते थे कि वो बच्चों को अपना फालतू टाइम में बनारस में पढ़ा देते, उन्होंने पढ़ाई जिस चीज़ में पढ़ाई की मछली के ऋषि विज्ञान ब्राह्मण और दीक्षित होकर विवेकानंद के गुरु भाई से दीक्षित होकर संन्यास लेकर कमंडल ले लिया था, उनके कन्वर्शन में भगवे में समय लगता है जैसे सराजन करते हैं, और उनको उनके गुरु कह रहे हैं तुम्हें तो नागपुर में आवश्यकता है, तुम्हारा मोक्ष हो गया, साधु किस लिए बनते हैं, अपने मोक्ष ही, मतलब तुम्हारा मोक्ष हो गया, राष्ट्र का मोक्ष हो, तो वैज्ञानिक सोच वाले को भेज दिया वापस, अब वो जाए 40 इस देश की 40 परिक्रमा की, और ऐसे ऐसे जैसे हजारों लोगों को धन्यवाद दिया देश, सारे ही वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के लोग। उसके अगले दिन तो CV रमन ने लगी भैया बीच में देवरस ही रहे, वो आर्ट्स वाले थे, जिनको CV रमन कहता तुम अगला नोबेल पुरस्कार ले सकते, मेरे साथ चले उनका PhD का वाइवा लेंगे, रमन उनको कह रहा है कि तुम मेरे सक्सेसर हो सकते हो, आओ बोले नहीं मैं पढ़ाऊँगा और बाकी सब ये। उससे अगले फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से वैज्ञानिक सुदर्शन, अगले आजकल ये पशु विज्ञान थे, इसलिए बता रहा हूँ कि 99 में सब कुछ किया है जिसके कारण से नरेंद्र मोदी पैदा हुआ है, 24/7
22 साल से नो हॉलीडे, सब कुछ हो के सब कुछ छोड़ा हुआ। माँ से तो बंधन ने कैसा कि कुछ छोड़ ही नहीं सकता, जिस दिन माँ से बंधन समाप्त हो सब बाकी बंधन खत्म। इसलिए हमें सबको प्रेरणा किससे लेनी है, हमें यह खुशी है कि हमारे यहाँ से भी साधु संत निकले, पढ़ाने वाले भी साधु संत बने, पढ़ने वाले भी वैज्ञानिक भी बन गए, इसरो में भी हैं, तो ये भी पीछे जो हमारा मंगलयान गया उसमें भी हमारे कंट्रीब्यूशन है, हमारे IAS IPS IRS भी हैं और कर्नल तक हमारे विद्यार्थी भी हैं, और जैसे जो IAS में जाने वाले इंडियन फॉरन सर्विस में जाने वाले वो भी हैं। तो हम यहाँ मेहनत 25 साल की है, हम ये अपना रजत जयंती मना रहे हैं, रजत जयंती का वर्ष हमारा 16 अगस्त से शुरू हुआ था, इस साल अक्टूबर तक है, बाकी काम हैं हमारे वो सब हमारे लिखित में हैं, उनको पूरा करना है। इस साल के एडमिशन एक बार प्रॉपर हो जाए, सब इंस्पेक्शन हमारे हो गए हैं, AICTE का कल लास्ट हुआ है, उससे पहले दुनिया भर की ब्यूरोक्रेसी का हमारा जो अंग्रेजों ने डाल गए ना हमारे पीछे फालतू की चीज़ें, तो पढ़ने वाला जाने पढ़ाने वाला जाने, आउटपुट क्या है वो मार्केट बताएगी, हमारा निकला हुआ बच्चा वो क्या है वो मार्केट को तय करेगी। कि किसी शादी में जाएँ और किसी दूल्हे को हम आशीर्वाद देने के बाद वो दूल्हा कहे सर मैं 2014 का पास आया था, अभी मैं हाईकोर्ट के जज के यहाँ गया, इतना उस समय हमें अच्छा लगेगा जब वो दूल्हा उसी समय कह रहा सर मैं दीजिए आपको नहीं जाता। अभी हमारे घर में बहू आए, मुझे भी नहीं मालूम था यहाँ की, 3 दिन पहले खाने को बुला रखी थी मालूम, उसने बताया कि मैं जो BBA यहीं से किया और वो आज SNP में सर्विस भी करी और हमारे संस्कार का वो अब संस्कारों की छोटी सी बात हम बताएं कि 2010 में हमारी सुपुत्री यहीं से पास आउट हुई BBA और वो थिएटर आर्टिस्ट बनी, उनकी मूवी भी आई, वो मुंबई भी रही परंतु उस माहौल में एडजस्ट नहीं करती, वो कहती कि हम क्लब नहीं जा सकते, हम शराब नहीं पी सकते, हम सिगरेट नहीं पी सकते या जो फिल्मी ऑफर है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहाँ अच्छा नाम हुआ, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे और 2010 में आपके यहाँ से श्वेता पराशर जी, तो अच्छा उन्होंने नाम किया और थिएटर आर्टिस्ट हैं, आज उनका अपना हॉस्टल में स्टोर है, प्लस बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, टीवी शो वगैरह करती हैं, तो यही आपके ही यहाँ संस्थान का एक परिणाम तो हमारे विषय में मैं जिनका परिणाम हूँ मेरे सामने में सबसे जिस स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ ये टीचर रहे और ये सब वहाँ मजदूरों के स्कूल में हमारी और 94 हो गए मुझे 91 इनके सीनियर 96 वाले भी जिंदारों से भी आशीर्वाद मिल गया, धर्मपुरा में रहते, उनसे सीनियर कनाडा में थे, मतलब आदर्श ढूंढने में तो हमारे तो नज़दीक ही थे और आज भी हम कहते सबके नज़दीक मिल जाएंगे, बहुत दूर आने जाने की जरूरत नहीं, अपने आस पड़ोस में ही अपना रोल मॉडल मिल जाएगा, ये भी थोड़ा हमारे अध्यक्ष जी अभी इनको कितना व्यस्त रहा बात पर हमें भी मुरादाबाद में रमेश भाई हो जाएगी घर में विवाह, विवाह भी बाहर जाएगा, फिर उसके बाद वीरेंद्र शास्त्री लाखों लोगों का उनका कार्यक्रम मुरादाबाद जैसे शहर में कराना था, वो 2.5-3 लाख की पूरा महीना मार्च व्यस्त रहे, खर्चा किया और खुद यजमान बनना बैठना और इतनी भीड़ को संभालना और इतने रिश्तेदार दोस्त, करना चाहो तो आपकी क्षमताएं ऐसी हैं जैसे हनुमान जी को अपने ज्ञान का नहीं मालूम था, आप सब जामवंत के रूप में हैं, जितना ज्ञान हो जामवंत को बताना पड़ा था हनुमान जी को याद आया, तो आप भी अपने विद्यार्थियों में जो पोटेंशियल है उसको पहचानो, उसको उजागर करने में मदद करो और उनको राष्ट्र के प्रति परिवार के प्रति जो सब कुछ बन सके, मुझे कोई कहता है 1 करोड़ के पैकेज में दिया मुझे कोई खुश होगी,
हमारे हिंदुस्तानी माँ बाप पैसा मांगेंगे नहीं, सारी उम्र भूखी रहेंगे उसको पैदा करने से लेके नर्सरी के एडमिशन से कॉलेज के एडमिशन, पैसा यहाँ भी खर्चेंगे वहाँ भी खर्चेंगे। आज की तारीख में नर्सरी एडमिशन 25 लाख, यह देश बनाए 25 लाख रुपये नर्सरी का एडमिशन हो, 25,000 रुपये महीने।